रविंद्र सिंह। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यूज 18 संवाददाता से बात करते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरपंच से लेकर संगठन तक का उनको अनुभव है, साथ ही उनके पास एक प्रशासन का अनुभव भी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात करते हैं। सर, जिस तरह से राजस्थान में विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है, अब मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी, कैसे देखते हैं सर? नई सरकार के गठन में जो विधायकों के द्वारा जो एक प्रक्रिया अपनाई गई, उसके तहत माननीय भजनलाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, मनोनीत किया गया है। उसके लिए मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और राष्ट्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं कि बहुत सुलझे हुए एक भजनलाल जी, जिनका संगठन का लंबा अनुभव, सरपंच से लेकर के पंचायत समिति तक का अनुभव, महामंत्री वो चार बार रहे प्रदेश के, ऐसे हमारे भजनलाल जी को जो एक जमीन के कार्यकर्ता हैं, उनको राज्य के मुख्यमंत्री बनाने, वो सरपंच रहे, पंचायत समिति के सदस्य रहे और जो संगठन का काम देखता है कोई आदमी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, फिर जिले का महामंत्री, फिर जिले का अध्यक्ष, फिर प्रदेश का महामंत्री, तो ये सारे अनुभव आ जाते हैं उनको। संगठन का जो कार्यकर्ता होता है वो अनुभव सिद्ध ही होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमसन प्रकाश गुप्ता के साथ विनित कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। उधर दिया कुमारी ने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना के बाद 16 सिविल लाइन्स स्थित बंगले पर पहुंची। यहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया, जनता को धन्यवाद दिया। जी, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही, हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है, विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं और स्थिति क्या है सबको पता भी है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इन सब चीजों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में पूरी सरकार में क्या करना है, किसको करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, ये सब चीजें होंगी। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जो कुछ आगे होगा वो आपको समय समय पर सूचना मिलेगी। उधर मनोनीत स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद वासुदेव देवनानी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है, हमारे साथ में मौजूद हैं वासुदेव देवनानी जी। देवनानी जी, इतना बड़ा जिम्मा किस तरह से संभालेंगे? मैं सबसे पहले तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी ने और साथ में प्रदेश नेतृत्व ने ये जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। आपके पक्ष और प्रतिपक्ष रिश्ते जो है बहुत मधुर रहे हैं और अब इस बार जो है जिम्मेदारी आपके कंधों पर कुछ बड़ी है, क्योंकि पहले आप मंत्री पद संभालते थे, अब आपको सारे विधायकों को भी संभालना है, सरकार का बचाव भी करना है और विपक्ष को साथ भी लेना है। प्लान क्या है दिमाग में देवनानी जी के? देखो, विधान लोकतंत्र के अंदर विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक चुन करके आते हैं और दोनों यहाँ पे जनता की समस्याओं को रखते हैं। कोशिश करूंगा कि सार्थक बहस हो, अच्छी बहस हो और समस्याओं के समाधान उठाने का उनको पूरा मौका मिले और उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन इसके साथ जो नियमों की है, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उसके भी पालन करने की जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान में 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री पद के बाद अब मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जातिगत समीकरण, वरिष्ठता समेत अन्य बातों को देखते हुए कई नाम चर्चा में। इसी कड़ी में लूणी विधानसभा सीट से विधायक जोगाराम पटेल को भी भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने जोगाराम पटेल से खास बातचीत की।
राम पटेल ने लूनी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, पहले संसदीय सचिव रह चुके हैं, इस बार माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। क्या लगता है जोगाराम जी, पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, सुना तो यही है हम लोगों ने? पार्टी का निर्णय होता है वो हमारे ऊपर स्वरूप ही होता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर राजस्थान में जनता की अपेक्षा अनुसार विकास कार्यों में खरे उतरेंगे और जनमानस ये मानेगा कि जनता का राज आया है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है उसको निभाएंगे, यह हमारा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, परंतु जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो धन्यवाद। सीनियरिटी तो बनती है आपकी, पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, और मारवाड़ में जिस जाति वर्ग से आप आते हैं, किसान समुदाय से, तो उसमें आपकी वरिष्ठता को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती, तो कैसा लग रहा है? उम्मीदें तो पूरी लग रही हैं, जिस तरह से आज आप बन ठन के आए हैं, तो लग तो यही रहा कि जब शपथ ग्रहण होगा तो जोगाराम पटेल भी कतार में खड़े होंगे मंत्री पद की शपथ लेने में। आपका धन्यवाद। हम तो वही सामान्य ड्रेस है और सामान्य कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी निभाए उसको बराबर निभाएंगे, इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जोगाराम पटेल जो लूनी से जीते हैं, इनको भी उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, News18 जयपुर। बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कुंभलगढ़ से चुनाव जीता है। माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के कैबिनेट में उन्हें भी जगह मिल सकती है, और इसको लेकर हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने उनसे खास बातचीत की। एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने चुनाव जीता, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिलेगी। सुरेंद्र सिंह राठौड़ साहब, क्या लगता है, उम्मीद पूरी है फिर मंत्री बनने की? नहीं, वो तो निर्णय पार्टी करती है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को और दोनों मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर साहब को बधाई दूंगा कि ये ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। संभव है कि एक सेंटर में काम करते हुए एक कार्यकर्ता को ये मौका मिला है, तो निश्चित तौर से पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत अच्छा संदेश गया। महाराणा प्रताप की धरती है कुंभलगढ़, और मेवाड़ में बीजेपी चाहती कि वो हमेशा मजबूत रहे, तो आप जैसे नेता को पार्टी इग्नोर कैसे कर पाएगी? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, जो होगा जो पार्टी का निर्णय होगा। आपको कितनी उम्मीद है कि मंत्री बनने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई इंडिकेशन? पार्टी का ही निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा पार्टी का। तो सुरेंद्र सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मानेंगे, यानी कि जो नेता हैं, जो समझदार हैं और जो जानते हैं बीजेपी की रीति नीति के बारे में, वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि कौन मंत्री बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी अब जब आखिरी वक्त पर होता है, तो जो मंत्री बनने वाले हैं उनको कैसे पता चल सकता है? तो वरिष्ठता के आधार पर, काम के तजुर्बे के आधार पर और क्षमताओं के आधार पर लोग आकलन कर रहे हैं। देखना होगा कि भजनलाल शर्मा की कैबिनेट इस बार किस तरह की बनती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह।